हेलो स्टूडेंट्स, मायसेल्फ मिस्टर योगेश अकरेकर फ्रॉम HDSM कॉलेज पालघर वेलकम्स यू ऑल इन माय यूट्यूब वीडियो ऑफ सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। स्टूडेंट्स, अप टू नाउ वी हैव फिनिश्ड फर्स्ट मेथड ऑफ डिसोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड सिंपल डिसोल्यूशन। ओके, नाउ इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड मेथड ऑफ डिसोल्यूशन, दैट इज डिसोल्यूशन अंडर insolvency situation. Now all of you are aware, or in our first video we have discussed that there are two methods of dissolution. First is simple dissolution and second is dissolution under insolvency situation. हमारा जो पहला वीडियो हुआ था स्टूडेंट, उसके अंदर हमने ये चीज डिस्कस की थी कि dissolution के two methods या two types होते हैं. Okay, first is सिंपल डिसोल्यूशन। नो, सिंपल डिसोल्यूशन के हमने ऊपर हमने बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी और वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड मेथड ऑफ डिसोल्यूशन, दैट इज डिसोल्यूशन अंडर इनसॉल्वेंसी सिचुएशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी मीनिंग ऑफ इनसॉल्वेंसी। इनसॉल्वेंसी क्या होती है? ओके, उसका हम पहले क्या देखेंगे, मीनिंग देखेंगे। इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन वेयर लाइबिलिटीज ऑफ अ पर्सन और अ फर्म आर मोर देन इट्स असेट्स। नो, इंसॉल्वेंसी इज दैट सिचुएशन वेयर लाइबिलिटीज ऑफ अ पर्सन और लाइबिलिटीज ऑफ अ फर्म आर मोर देन इट्स असेट। इंसॉल्वेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे फर्म या किसी पर्सन की लाइबिलिटी की टोटल उसके असेट के टोटल से ज्यादा होती है। ओके, नो, इन अदर वर्ड्स वी कैन से इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल और अ फर्म कैन नॉट रेज इनफ कैश टू मीट इट्स ऑब्लिगेशंस, डेब्ट्स और लाइबिलिटीज which are due for payment. Now, because of insolvency, a person or a firm cannot meet its obligation, its liabilities or its dues for payment. Insolvency एक ऐसी situation है जहां पे firm या individual अपने liabilities को, अपने obligation को, अपने debts को या अपने loan को pay नहीं कर सकता है, इनकी वो पेमेंट नहीं कर सकता है। ओके, बिकॉज ऑफ हिज असेट्स आर वेरी लेस, उसके असेट कम होते हैं। इंसॉल्वेंसी के सिचुएशन के फर्म में, सॉरी, इंसॉल्वेंसी के सिचुएशन के अंदर फर्म की या इंडिविजुअल की असेट कम होती है, जिसके कारण वो उसकी लाइबिलिटीज को या उसके ऑब्लिगेशन को, उसके लोन को या उसका जो कर्जा होता है उसके डेट को पे नहीं कर सकता है। ओके, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ही इज टू ब्रिंग कैश इन ऑर्डर टू सेटल हिज अकाउंट। वंस अगेन वी विल रीड दिस सेंटेंस। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब डिसोल्यूशन के समय हम क्या करते हैं, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है, एट दैट टाइम वी फर्स्ट वी विल हैव टू सेल ऑल असेट्स ऑफ द फर्म। हम फर्म के असेट को क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे। ओके, सोल्ड करेंगे एंड देन वी विल पे द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। फर्म की लाइबिलिटीज को हम क्या करेंगे, पे करेंगे। इट मींस जो भी पैसा असेट को बेच के हमें मिलेगा, व्हाट एवर फंड्स वी विल गेट आफ्टर सेल ऑफ असेट्स, आउट ऑफ दैट we will make payment of liabilities of the firm, okay? And then we will close realization account. आप realization account को क्या करोगे? Close करोगे, okay? And if we get balance or whatever balance we will get in realization account, realization account में जो भी हमें balance मिलेगा, that will be either profit or loss on realization, that will be transfer to partner's capital account. वो balance प्रॉफिट या लॉस हो, रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। ओके,
So, at the time of dissolution, if the partner's capital account shows debit balance, मतलब dissolution के process के बाद अगर partner's के capital account का debit balance हमें मिलता है, okay? What is debit balance? I will make short discussion on debit balance. Now, here we will prepare partner's capital account, okay? Suppose there are three partners, partners A, partner B and partner C, okay? Teen partner hai firm ke andar, partner A, partner B and C. Now if there is after the process of dissolution, dissolution ke process ke baad, if there is debit balance, matlab dissolution का जब प्रोसेस चलेगा तो आप क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करोगे एंड व्हाट एवर प्रॉफिट और लॉस यू विल गेट, जो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा दोनों में से एक चीज, इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके? एंड व्हेन और इफ देयर इज डेबिट बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डेबिट बैलेंस? नाउ इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड, दिस इज डेबिट साइड, if the total of debit side of partner's capital account is greater than credit side of partner's capital account, agar partner's capital account ke debit side ka total, now what we record in debit side of partner's capital account, aap partner's capital account ke debit side mein kya record karte ho, we record all expenses and losses in partner's capital account, partner ki jitne एक्सपेंसेस है लॉसेस है वो आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं. एंड इन क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल इनकम्स ऑल गेन्स एंड ऑल प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनर्स इन क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके? सो इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड मींस इफ द टोटल ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस of debit side of partner's capital account is greater than total of income and gains, that means total of credit side, then there will be debit balance. मतलब अगर partners के partner's capital account के debit side का total, debit side में हम expenses और losses लिखते हैं, उसका total अगर credit side के total से, that means total of income and gains से ज्यादा है, ये वाला total अगर ज्यादा होगा तो आपको यहाँ पे जो difference मिलेगा, okay? That will be called as a debit balance. Once again, I will explain you. If the total of debit side of partner's capital account is greater than total of credit side, okay, you will get a balance here. That balance will be called as a debit balance, okay? So, if or at the end of the time of dissolution, if the partner's capital account shows debit balance, After making adjustment, आप adjustment करोगे, realization account को close करोगे और वो balance आपका realization account का balance आपको realization account का जो भी difference आएगा profit या loss, वो आपको कहाँ पे transfer करना होगा, partners capital account को transfer करना होगा, okay? So at the time of dissolution, if the partners capital account shows debit balance, if you get debit balance, आपको debit balance का कब मिलेगा? If the total of debit side is greater than total of credit side. ओके, डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है, सो यू विल गेट अ डेबिट बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके? सो ही इज गोइंग टू ब्रिंग कैश इन ऑर्डर टू सेटल हिज अकाउंट, ओके? नाउ इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, सपोज इन द कॉलम ऑफ पार्टनर ए देयर इज अ डेबिट बैलेंस, सो व्हाट विल हैपन, ए विल ब्रिंग कैश टू दी फर्म, ये क्या करेगा, कैश लाएगा, किसके लिए, वो फर्म के लिए लाएगा, ओके? सो इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ही इज गोइंग टू ब्रिंग कैश इन ऑर्डर टू सेटल हिज अकाउंट, जो भी शॉर्टेज होगा अकाउंट में, ओके, जिस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है उसे क्या लाना होगा, कैश लाना होगा इन ऑर्डर टू सेटल हिज अकाउंट, ओके? सो इन दिस केस इफ देयर इज डेबिट बैलेंस इन दी कॉलम ऑफ पार्टनर ए, ओके, देन पार्टनर ए विल ब्रिंग कैश टू सेटल हिज
account. Now, if he is unable to bring cash or if he is unable to clear his debit balance, then that irrecoverable amount of that partner must be borne by solvent partner. Now, if that partner, that is partner A, is unable to settle his debt, or if partner A is unable to bring cash to settle his debit balance, matlab apne debit balance ko settle karne ke liye wo partner, in this case A partner is there, apne debit balance ko settle karne ke liye agar A cash nahi raise kar paya ya cash nahi leke aaya, okay, so what will happen? That irrecoverable amount which is due, जो ए से अमाउंट फर्म को मिलने वाली थी, जो ए से अमाउंट बिजनेस को मिलने वाली थी, वो कौन लेके आएंगे? दैट विल बी ब्रॉट बाय पार्टनर बी एंड सी. ओके, सो इफ देर इज डेबिट बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, आपको डेबिट बैलेंस कहां मिलेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड मिलेगा. सो इन सच सिचुएशन द पार्टनर who is not in a position to bring cash for settlement of his account, then at that time, that settlement or that recovery will be made by remaining partner. Okay, जो remaining partner होंगे, उन्हें उस cash को क्या करना होगा? Cash को business में लाना होगा. Okay, now, here we are going to study three concepts of dissolution under insolvency situation. Now, in insolvency situation, we have to study three new concepts. Okay? First is solvent partner. Now, what is solvent partner? Solvent partner is a partner whose assets are greater than his liabilities. Matlab, solvent partner ek aisa partner hota hai ki jiski asset ki total, uske liability ke total se ज्यादा होती है. ओके, नाउ सॉल्वेंट पार्टनर इज ऑलवेज एबल टू पे हिज ऑब्लिगेशंस, डेब्ट्स और लायबिलिटीज आउट ऑफ हिज असेट. नाउ सॉल्वेंट पार्टनर के असेट की टोटल हमेशा ज्यादा होती है उसके लायबिलिटी के टोटल से, एंड दैट्स व्हाई सॉल्वेंट पार्टनर इज ऑलवेज एबल टू मेक द पेमेंट ऑफ हिज लायबिलिटीज, हिज डेब्ट्स एंड हिज ऑब्लिगेशन. सॉल्वेंट पार्टनर के जो भी डेब्ट्स है, उसका जो भी कर्जा होगा, उसका जो भी लोन होगा, उसकी जो भी लायबिलिटी होगी, उसकी जो भी ऑब्लिगेशंस होगी, वो क्या करेगा? अपने असेट से पे कर पाएगा. ओके, नाउ सेकेंड कंसेप्ट इज इनसॉल्वेंट पार्टनर. नाउ व्हाट इज इनसॉल्वेंट पार्टनर? नाउ इनसॉल्वेंट पार्टनर इज दैट पार्टनर हुज टोटल लायबिलिटीज आर मोर than his total assets. Here we will make reverse sign. Insolvent partner is a partner whose total liabilities are more than his asset. Okay? Insolvent partner एक ऐसा partner होता है कि जिसके total liabilities total assets से ज्यादा होती है. Okay? And that's why insolvent partner is unable to make the payment of his debts, his obligation or his liabilities from his asset. ध्यान में रखिए कि insolvent partner ऐसा partner होता है कि जिसके liabilities की total उसके asset के total से ज्यादा है, उसका कर्जा ज्यादा है. ओके, सो उसके कारण वो अपने debts को, उसके कर्जे को, उसके loan को, उसके obligation को या उसके liabilities की payment नहीं कर सकता है. ओके, नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज कैपिटल डेफिशियंसी. नाउ व्हाट इज कैपिटल डेफिशियंसी और व्हाट इज डेफिशियंसी? कैपिटल डेफिशियंसी जानने से पहले हम डेफिशियंसी का मीनिंग देखते हैं. व्हाट इज डेफिशियंसी? डेफिशियंसी मींस बैलेंस व्हिच कैन नॉट बी पेड और बैलेंस व्हिच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द पार्टनर. ओके, डेफिशियंसी मतलब एक ऐसा बैलेंस है जो पार्टनर से कभी भी रिकवर्ड नहीं होता है. ओके, नाउ इफ पार्टनर इज इनसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट है तो उससे उस बैलेंस की रिकवरी होगी क्या? नहीं होगी. ओके,
सो डेफिशिएंसी मीन्स शॉर्टेज ऑफ फंड्स विच पार्टनर कैन नॉट बी विच पार्टनर इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग इन हिज बिजनेस. ओके नाउ इफ डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट सॉरी इफ डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट विच पार्टनर इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे टू द फर्म इट इज कॉल्ड कैपिटल डेफिशियंसी. नाउ हियर वी विल सी इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है सो दैट इफ दैट डेबिट बैलेंस पार्टनर इज नॉट एबल टू पे टू द फर्म वो डेबिट बैलेंस अगर पार्टनर अपने फर्म को पे नहीं कर सकता है उसे हम क्या कहेंगे कैपिटल डेफिशिएंसी कहेंगे. वन सेकेंड वी विल रीड दिस लाइन डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट दिस इज डेबिट बैलेंस व्हेन यू विल गेट डेबिट बैलेंस अगर आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का टोटल पार्टनर्स के डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा क्रेडिट का टोटल कम होगा सो यू विल गेट हियर अ बैलेंस दैट बैलेंस विल बी कॉल्ड एज अ डेबिट बैलेंस. ओके सो डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट विच पार्टनर इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे टू द फर्म इट इज कॉल्ड कैपिटल डेफिशिएंसी दैट मीन्स अगर कोई पार्टनर उसका जो डेबिट बैलेंस है वो फर्म को पे करने के पोजिशन में नहीं है या फिर वो फर्म को पे नहीं कर सकता है अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा कंगाल होगा तो वो फर्म को अपना डेबिट बैलेंस पे नहीं कर सकता है. ओके इट इज कॉल्ड कैपिटल डेफिशिएंसी. ओके व्हेन पार्टनर्स इनकम एंड गेन्स आर वेरी लेस एज कंपेयर टू हिज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डिफरेंस अपीयर इन हिज कैपिटल अकाउंट एंड इफ सच डिफरेंस कैन नॉट बी पेड बाय दैट पार्टनर इट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी. ओके नाउ इफ टोटल ऑफ इनकम एंड गेन ऑफ अ पार्टनर इज लेस देन टोटल ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अगर पार्टनर के इनकम एंड गेन की टोटल उसके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के टोटल से कम है मतलब उसका इनकम कम होगा उसके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ज्यादा होंगे सो इन सच सिचुएशन यू विल गेट अ कैपिटल डेफिशिएंसी. ओके ऐसे सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा डेबिट बैलेंस मिलेगा उस पार्टनर का एंड दैट डेबिट बैलेंस विल बी नेवर पेड बाय दैट पार्टनर हु इज इंसॉल्वेंट. ओके एंड इन सच केस वी विल गेट कैपिटल डेफिशिएंसी और ऐसे सिचुएशन में हमें क्या मिलेगी उस पार्टनर की कैपिटल डेफिशिएंसी मिलेगी. ओके सो व्हेन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट अगर कोई पार्टनर क्या हो जाता है इंसॉल्वेंट होता है इंसॉल्वेंट मीन्स कंगाल होता है उसकी लायबिलिटी ज्यादा होती है उसके असेट के टोटल से. ओके सो व्हेन पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट हिज कैपिटल डेफिशिएंसी इज टू बी बॉर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नाउ इफ एनी पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है इन सच सिचुएशन हिज डेफिशिएंसी विल बी बॉर्न और इट विल बी शेयर्ड by solvent partner in their profit sharing ratio. Okay, we will take one example. A, B and C are the partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Now three partners are there in the firm A, B and C and their profit sharing ratio is 3:2:1. Unka profit sharing ratio kya hai? 3:2:1. Okay. B is declared insolvent. B क्या हो गया insolvent हो गया so B is a insolvent partner. Okay. Now capital deficiency of B. B की जो capital B insolvent हो जाएगा तो उसके capital account में आपको debit balance मिलेगा so in such case capital deficiency of B is to be borne by solvent partner A and C. Okay, we will see this example. A, B, C are three partners. Their profit sharing ratio is 3:2:1. Okay, but if B become insolvent, B अगर insolvent हो जाता है,
देन हिज कैपिटल डिफिशियंसी, उसकी जो भी कैपिटल डिफिशियंसी होगी, उसका जो भी डेबिट बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का, हियर दैट कैपिटल डिफिशियंसी विल बी बॉर्न बाय अदर सॉल्वेंट पर्सन, बी इनसॉल्वेंट पार्टनर है तो सॉल्वेंट कौन होंगे, ए एंड सी, ओके. सो कैपिटल डिफिशियंसी ऑफ द बी विल बी बॉर्न बाय ए एंड सी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके. नाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इज 3:1, ओके. ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 3:1. पहले क्या था, 3/6, 2/6, 1/6, ओके. नाउ आफ्टर इंसॉल्वेंसी ऑफ बी देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल चेंज, ओके. सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए विल बिकम 3 एंड सी विल बिकम 1, ओके. सो डिफिशियंसी, कैपिटल डिफिशियंसी ऑफ बी विच इज इंसॉल्वेंट पार्टनर will be born by solvent partner A and B in the ratio of 3:1, okay. Now here, capital, if capital deficiency of B is 10,000, आप सपोज कीजिए, you have to assume that if capital deficiency of partner B is 10,000, मतलब B जो partner है उसकी capital deficiency 10,000 है, okay. B is an insolvent partner and his capital deficiency is 10,000 rupees. Now his capital deficiency will be shared by solvent partner A and C, okay. उसकी capital deficiency कौन सा, ये करेंगे, share करेंगे, A और C करेंगे. So A and C is a solvent partner, they will share capital deficiency of B in the ratio of, पहले ratio क्या था, 3:2:1 था A B C का, C become insolvent, so new ratio will be 3:1, okay. So 10,000 is the amount of capital deficiency which will be shared by A and C in the ratio of 3/4 and 1/4. ओके, ए और सी सॉल्वेंट पार्टनर है, सो बी की जो भी कैपिटल डिफिशियंसी होगी, सी का, बी का जो भी डेबिट बैलेंस है वो कौन शेयर करेगा, ए और सी से शेयर करेंगे. सो व्हाट विल बी द अमाउंट शेयर ऑफ ए, इट विल बी 7,500 एंड फॉर सी इट विल बी 2,500. मतलब बी का जो डेबिट बैलेंस है 10,000, या बी की जो भी है कैपिटल डिफिशियंसी 10,000, ओके. अब वो कौन पे करेगा, ए और सी पे करेंगे, दोनों मिलके पे करेंगे. नाउ फॉर ए विल ब्रिंग 7,500 एंड सी विल ब्रिंग 2,500, ओके. ए क्या करेगा, 7,500 फर्म को पे करेगा और सी पे करेगा 2,500, ओके. सो दिस इज हाउ कैपिटल डेफिशिएंसी of insolvent partner or debit balance in the column of insolvent partner will be borne by remaining solvent partners in their profit sharing ratio, okay. So B ka deficiency tha, B ka capital deficiency kitna tha, 10,000 tha. So for B, A will bring 7,500 and C will bring 2,500, okay. So this is how capital deficiency of partner B is borne by solvent partner A and C, okay. So students, from our next video we will solve practical problems which are related with capital deficiency or which are related with dissolution under insolvency situation. हमारा next video जो होगा उसके अंदर हम second method के जो भी practical problem है, हमारी second method है dissolution under insolvency situation, उसके हम practical problem क्या करेंगे, solve करेंगे. So once again student, thank you so much for watching my video.